अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक मिनट के अंदर किसी भी फ़ोटोज़ को पीडीएफ कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वी फ्लैट। तो उसी के बारे में बताऊँगा कि आप उसको कैसे यूज़ करके आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है वी फ्लैट। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप में क्लिक करना है ऊपर वाला में। उसके बाद फिर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर इस तरह से एग्री द स्टार्ट लिखा हुआ यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद जब हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे क्लोज में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कट कर देना है। अब इसको बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी देख सकते हैं, आप जो भी फ़ोटो वगैरह करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इस यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी आप फ़ोटो रखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आप लेंगे ना, आपको बाद में कटिंग करने की ज़रूरत है, क्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपकी जो किताब है बस वहाँ तक ही ये निशान देख पा रहे होंगे। तो आपको फ़ोटो करने के लिए यहाँ बीच में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जो देख पा रहे गोल का निशान, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा एक हो गया। तो फिर मैं आपको एक दूसरा करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा यहाँ पे दो हो चुका है। आप जितना चाहेंगे इस तरह से आप फोटो कर सकते हैं। जब आपका फ़ोटो करना हो जाएगा तो आप यहाँ पे फ़ोटो का आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो कैसा आया है। तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल वाजे तौर पर क्लीन फ़ोटो है, क्लियर है एकदम, आप देख सकते हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि आप पीडीएफ में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में आना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपका जो फोल्डर्स यानी फ़ोटोज़ वगैरह है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पूरा आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं अभी लास्ट में तीन किया हूँ, तो जिसको जितना भी आप पीडीएफ करना चाहते हैं सिंपली उसके ऊपर हाथ रख के इस तरह से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग को यानी कि ऑप्शन को समझ लीजिए। यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, बहुत कुछ। तो आप अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका तीनों फोटोज़ आ गया है। उसके बाद आपको ये करने के लिए यहाँ पे पीडीएफ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे टाइम लगा, देखिए तुरंत हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं या फिर इसको ओपन पीडीएफ, चलिए मैं ओपन करके देख लेता हूँ किस तरह आया है। ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका एक पीडीएफ होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल वाजे तौर पर है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जूम करेंगे कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको नहीं आता है।